लेकिन संजय निषाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका शुरुआत से इंतजार कर रहा था मैं संजय सर, और ख़ास तौर से इसलिए कर रहा था क्योंकि आज चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दिया कि गलत खेमे में तो आप हैं, आप न्योता ना दें। मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि कम से कम जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उस समाज का भला खाली एनडीए के साथ हो सकता है। अगर हुआ होता तो इससे पहले किन किन सरकारों के साथ सब भी समाज था, दलित किस तरीके से बहन जी के साथ, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया था जब बहन जी वहाँ बैठी थी। अभी मैं कह रहा हूँ उसको भूलकर अगर ये चले गए थे अखिलेश जी के पास, अभी दलितों को अगर बिना भेदभाव के अगर कुछ भी दिया तो मोदी जी ने दिया है। मैं कहता हूँ कि हम दोनों भाई जब मिले रहेंगे तभी उनको न्याय दिला सकते हैं, अलग अलग रहने से समस्याओं का समाधान थोड़ा असंभव रहता, मिल जाने पर ताकत बढ़ती है। जैसे मैं मछुआरों की आवाज़ उठा रहा हूँ उनको न्याय दिलाने के लिए, प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, मैं कहता हूँ कि अमित शाह जी से, योगी जी से, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर अपनी आवाज़ उठाता हूँ, उसको न्याय दिलाने के लिए चिट्ठी, बेहतर प्लेटफार्म पर सार्थक परिणाम के लिए मैं काम करा रहा हूँ। उसी तरीके से आवें, दलितों की जो भी समस्याएं हैं उनको भी हम लोग मिलकर उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें न्योता दिया था। लेकिन लोग तो अब ये भी बातें कर रहे हैं कि वो तो शुक्र है कि संजय निषाद अभी जुड़े हुए हैं और अपना दल बना हुआ है, वरना तो जवाब देना मुश्किल हो जाता। संजय जी देखिए, 2014 से लगातार जो मोदी जी जब से आए हैं तब से लगातार इन लोगों का सफाया अपने आप हो रहा है, क्योंकि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता धोखे में थी कि पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़े वोट डाल दिए, लेकिन जब समय आया, सत्ता आया तो नौकरी, जब साइकिल बटन दबा तो एक बिरादरी, कोई आदमी जाता किसी विभाग में तो अपना आदमी सोचता है कि कोई चपरासी हो, कोई बाबू हो तो हमारी भी बात कर ले, कैसे भी बीडीओ के यहाँ जाता, तहसील में जाता, थाने में जाता, कहीं नहीं पाता है। लेकिन जिसका बटन दबाया हाथी और साइकिल का उसके लोग ही नज़र आते हैं, इसलिए दुखी होकर 2014 से मोह भंग कर दिया। 2017 में आपने देखा नहीं, लेकिन इनका मोह भंग क्यों हो गया जो आपके साथ इस वक्त आपके बराबर वाली विंडो में नजर आ रहे हैं, इसी तरीके से आपके साथ नजर आते थे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी संजय साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ नजर आते थे, लेकिन मौर्य साहब क्यों चल दिए, इनको आप समझा क्यों नहीं पाए? 15 दिन पहले तो भैया हमारे थे और ये प्रधानमंत्री के मंच पर थे, पूरे के पूरे रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे थे, मोदी जी का, योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का। अब 15 दिन में कौन सी बीमारी पकड़ ली, हमें उम्मीद है कि 15 दिन बाद फिर से सही आवाज़ आएगी और फिर पुनः वापस आएंगे। जिस समुदाय का मैं ठीक होने की कामना कर रहे हैं संजय जी, मैं कहता हूँ मैं निश्चित रूप से आएंगे और उसको टेबल पर जिस तरीके से मैं आवाज़ उठाता हूँ वैसे भैया भी उठाएंगे और उनका न्याय दिलाएंगे, क्योंकि जहाँ है संजय जी आइए बात कर लीजिए हमसे, वो भी है हमारे साथ, आइए आइए आपकी बात का जवाब लेते हैं कि आपकी अचानक क्या हो गया, क्या बीमारी हो गई मौर्य साहब? देखिए स्वाभाविक रूप से राजनीति में कभी भी कोई इस्तीफा देता है तो बहुत खुशी खुशी और बाबाही लूटी लिए नहीं देता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैचारिक मतभेद होता है, उसके पीछे बड़ा कारण होता है। अभी भाई मैं संजय निषाद जी की बात सुन रहा था, अब चूंकि वो हमारे मित्र हैं तो मैं तो उनको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर है के शर्मा भी बैठे हैं कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी से उनका साप्ता पड़ा है, और चूँकि नया गठबंधन है इसलिए अभी जो पूर्व में हुआ है उसकी जानकारी उनको नहीं है। देखिए एक ताज़ा मिसाल है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना कोई आवेदन पत्र मांगे, एक लाइन का प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी नहीं है इसलिए इनके स्थान को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। मैंने कैबिनेट में इसका कड़ा प्रतिवाद किया और उस समय प्रस्ताव प्रस्तुत करते वक्त हमने पूछा प्रमुख सचिव से, माननीय मुख्यमंत्री जी को इंगित करते हुए, क्या
इसमें एडवर्टाइजमेंट निकाला गया? अगर हाँ तो एक बार, दो बार, तीन बार, क्या तीनों बार निकाले गए? उत्तर आया नहीं निकाला गया। तो मैंने कहा जब एक बार भी विज्ञापन आपने नहीं निकाला तो ये प्रस्ताव आया कैसे? अपर मुख्य सचिव चुप हो गए और मुख्यमंत्री जी उसमें मेरी उस आपत्ति पर सहमति जताए कि मौर्य जी ठीक करें, दोबारा इस तरह के प्रस्ताव नहीं आने चाहिए। ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस प्रस्ताव को रोका नहीं, उस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया। नतीजा हुआ कि उस प्रस्ताव के बहाने सभी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती एकतरफा हो रही है। दूसरा, अभी 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, 69,000 में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। ठीक है मौर्य साहब, आपको रोक पीड़ित लोग, ये बात आप पीड़ित लोग पिछड़ा वर्ग के साथ बातचीत में कई बार कही है। इस कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।